नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका फिर से स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ मुकेश कुमार, अपने YouTube चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी से। आज का वीडियो कंपटीशन सीरीज पर आधारित है और आज का जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इंडियन हिस्ट्री पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10 क्वेश्चन थे, वो उसी का ही दूसरा पार्ट है और इसमें 20 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके मैं हर एक क्वेश्चन पर अपना प्रकाश डालता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं राजन्य, राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु प्रसिद्धि प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सड़क निर्माण हेतु प्रसिद्धि प्राप्त की थी, यानी कि आपने जीटी रोड का नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने ही उसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग ढूंढा एवं सर्वप्रथम वह भारत के किस स्थान पर पहुंचा? इसका आंसर है कालीकट। सबसे पहले वो कालीकट पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के अनुसार निवारण प्राप्ति के लिए किसका अनुशीलन आवश्यक माना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, उत्तर है त्रिरत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली का आरंभ किस शासक द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के काल में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली का आरंभ किस शासक द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली का आरंभ किया था। आगे आते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य का उदय सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा हुआ था? हाँ दोस्तों, इसका आंसर है हर्यक वंश। ठीक है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? उत्तर है राजेंद्र प्रथम। उसने सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, राजेंद्र प्रथम ने ऐसे चोल शासक हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इसका उत्तर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? उसका उत्तर है चंपारण आंदोलन 1917। उसके अलावा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन इस प्रकार से है, खेड़ा मूवमेंट 1980, खिलाफत मूवमेंट 1990, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको असहयोग आंदोलन भी कहते हैं 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी कि खेड़ा मूवमेंट 1918, खिलाफत मूवमेंट 1919, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? उत्तर है ज्योतिबा फूले। इन्होंने इसकी स्थापना 24 सितंबर वर्ष 1873 को की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू अछूत एवं भेदभाव को समाप्त करना था। ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला। ठीक है, नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल को किस धर्म को पुनरुत्थान काल माना गया है? तो ब्राह्मण धर्म होगा यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख प्राचीन नगर कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख प्राचीन नगर कौन से थे? तो उत्तर है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? उत्तर है मोहम्मद हुसैन। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख किस शासक के थे? अशोक। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के थे। ठीक है दोस्तों, आप अब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली किस वंश के राजाओं के शासन काल में विकसित हुई? कुषाण वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, इसे क्या कहा जाता है? इस प्रथा को क्या कहा जाता है? इस प्रथा को उदासीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन में मीणा आंदोलन का नाम आता है, वो कब हुआ था? तो उसका आंसर है 1930 में हुआ था। 1929 में अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ़ एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इनको आजीवन, इनके जाति को आजीवन क्रिमिनल बना दिया गया, जिसके तहत उसके बाद फिर कुछ सुधार करते हुए अंग्रेज़ों ने महिला और बच्चों को इससे बरी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह की राजधानी कहाँ थी? विदेह की राजधानी कहाँ थी? पहली बात, विदेह उत्तरी बिहार का प्राचीन प्रांत था जिसकी राजधानी मिथिला थी। ठीक है दोस्तों, विदेह उत्तरी बिहार का प्राचीन प्रांत था जिसकी राजधानी मिथिला थी। आज का 20 क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगले अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिए दोस्तों। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसका अपडेट आते रहेंगे। और आप इस वीडियो, इस चैनल का लुत्फ़ उठाइएगा, तो इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको आसानी से मेरे मेरे इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो मिल सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नमस्कार।